प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया, अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। येले, 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 येले। जी, एक शिक्षक के मन में बदले की भावना। जी 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 जी, इस जेठालाल की वजह से मेरी सोच कितनी गलत हो गई है। देवा, मुझे सद्बुद्धि देना। दया, दया, दरवाजा तो खुला है, फिर कौन ठोक रहा है? कौन है? बापूजी, अरे बापूजी, आप अरे उधर कैसे फंस गए? बैठे बैठे बापूजी, बैठिए। बाप रे, लगा बापूजी, लगा किधर? इधर लगा। जब अरे रहने दे, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, दरवाजा खोलना भी नहीं आता। तो बापूजी, ये दरवाजा तो ऐसे बाहर ही खुलता है। चुप रे। सॉरी बापूजी, डॉक्टर को बुलाना है। नेवा, लेने अबे। वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास। अच्छा, ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास। अच्छा, और दोनों कहाँ है? आस पास। ये आस पास कहाँ होगा? ये जेठिया, इतना भी नहीं मालूम रंगोली दरवाजे के बाहर होती है? भेजा गेप कहीं का नहीं, बराबर मेन डोर के बाहर ने। या पूरा हो राज, साथ या पूरा हो राज, आज मारे आंगने पधार श्री महापावा। ए दया, पैसे कहाँ हैं? पैसे तो बैंक में होते हैं ना। अरे मैंने तुमको 20,000 जो रखने को दिए थे वो कहाँ हैं? अच्छा, वो तो मैंने संभाल कर पुराने कपड़ों के बीच में रख दिए हैं। जा लेकर आ। माता जी, क्या हुआ? वो कपड़े तो मैंने गरीबों को दान दे दिए। क्या कहीं उसके साथ तो पैसे नहीं चले गए? कौन थे वो गरीब एड्रेस है, उनका जा जाके लेकर आ। याद आया, उसमें से पैसे निकाल कर मैंने गेहूं के डिब्बे में रख दिए थे। आश, जा लेकर आ। माता जी, अब क्या हुआ? अरे वो गेहूं तो मैंने कल शाम को ही पीसने के लिए दे दिए थे। क्या मतलब 20,000 भी गेहूं के साथ पीस गए? ए भगवान। रुकिए, याद आया, हाँ, डिब्बे में से पैसे निकाल कर बाद में मैंने अलमारी में रख दिए थे। फाइनल? हाँ। अलमारी तो भंगार में नहीं बेच दी ना। अभी हंसना बंद कर, लेकर आ जल्दी। हाँ। क्या भिड़े भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या हुआ, माधवी बापी ने करेले का अचार खिला दिया क्या? कमाल है,
ये बम तो बिना फूटे ही फूस हो गया। अरे इसका रबर तो टूट गया। ये लीजिए। अरे क्या है लीजिए, ऐसे कोई पैसा देता है? अरे पैसे तो अलमारी में ही पड़े थे, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। टेंशन मैं ले रहा था या तुम मुझे दे रही थी? नॉनसेंस। अच्छा सुनिए, आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास, आपके लिए कुछ लेकर आऊं। कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं कुछ नहीं बोलना है भगवान को। इनको क्या हो जाता है? हे देवा परमेश्वरा, मैं बच्चों की परीक्षा लेता हूं लेकिन आज मैं खुद परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा हूं। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। कुछ कर प्रभु, कुछ कर, दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु, खुशियों से भर दे। हाँ बोलो माधवी। हे बगा, आते वक्त पैसे लाना मत भूलना। हाँ लेकिन माधवी मुझे आते आते शाम हो सकती है। अरे लेकिन आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो कल चली जाना, उसमें क्या है, कल भी तो दुकानें खुली रहेंगी ना। चलो अंजलि बहन। अरे कोमल बहन चलो ना जल्दी। अरे पर माधवी। हाँ तो बुलाइए ना। माधवी, ओ माधवी। माधवी भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई हो, शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों क्यों? वो हाँ वो अलमारी की चाबी है ना, वो उनके पास रह गई है। तो पैसे अलमारी में है ना, तो बस इतनी सी बात, तो मैं पैसे दे दूंगी फिर आप मुझे बाद में वापस कर देना, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी माँ कहती है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। चलो अब। ठीक ही तो कह रही है दया बहन, आज दया बहन पैसे देंगी तो पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ? अरे भीड़े बहन क्या सोच रहे हो, चलो। हाँ मैं आती हूँ। बाय दादाजी। हे डब्बू इधर आ। जी दादाजी। कहाँ जा रहा है? फटाके फोड़ने, मोहन अंकल ने फटाके दिए। पहले खाना खा के जा। नहीं दादाजी बातें खाऊंगा। टप्पू टप्पू टप्पू। हेलो बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल नट्टू। जेठा सेठ है? जेठा वो तो कब का निकल गया है, अभी तक पहुँचा नहीं? नहीं इसलिए तो मैंने आपको फोन लगाया। बापूजी जेठा सेठ आ गए। आ गया तो पूछ उसको कहाँ था इतनी देर। हाँ हाँ अभी पूछता हूँ कहाँ थे इतनी देर। कुछ काम था। बोलते हैं कुछ काम था। हाँ तो पूछ उसको, काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं कि देर होने वाली है। काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या क्या हो गया आपको, ये क्या तरीका बात करने का, और मैं आपको क्यों बताऊं? सेठ मैं हूँ कि आप है? नहीं नहीं सेठ आप है, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बापूजी पूछ रहे हैं। बापूजी का फोन? नहीं नहीं मैंने बापूजी को फोन लगाया। हाँ बापूजी। ये जेठिया घर से तो कब का निकल गया था, कहाँ भटक रहा था? मैं कहाँ भटकूंगा बापूजी। तो देर से क्यों पहुंचा दुकान पे? वो ये क्या बापूजी, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मुझे डांट रहे। अरे वो छोड़, मुझे बताने में तुझे तकलीफ क्या है? वो बापूजी मैं शाम को घर आके बताता हूँ। ठीक है
क्या जरूरत थी घर पे फोन करने की? आप आए नहीं थे तो मुझे चिंता हो रही थी। मालूम है एक बार दुकान से किसी को कुछ बताए बगैर आप निकल गए थे और किडनैप हो गए थे, तो मेरे को लगा कि इस बार भी। क्या कुछ भी सोचते रहते हैं आप नट्टू काका। काम कीजिए, अपना काम कीजिए। मुझे कुछ कहा? चलो फिर से इनके कान में हड़ताल चालू। नहीं कुछ नहीं, जैसी कसना। हे भगवान, आई केपरी मस्त आ गई ना। तेरी साड़ी भी बहुत मस्त है। अच्छा मस्त है ना? बाबा मेरी मस्त है ना केपरी? और मेरी साड़ी? एक मिनट, मतलब तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ। कितने की? 16,500 रुपए की। 1,650? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए? हाँ। किससे? दया भाभी से। मगर क्यों माधवी? अरे मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे क्या जबरदस्ती, अब ये पैसे लौटाएंगे कैसे? उसमें क्या है, जैसे आप दे देंगे वैसे जाकर लौटा दूंगी। मगर मेरे पास पैसे नहीं है माधवी। अब क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं? मेरी सारी ट्यूशन की फीस अटकी पड़ी हुई है, कहीं से नहीं आ रही है। तो आपने मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। कैसे बताता माधवी, तुम्हें बुरा लगता और मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस चिट्ठालाल को और एक मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। सोसाइटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी, कैसे लौटाऊंगा मैं पैसे? अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके से ले आऊंगी। मतलब वहां भी मेरी नाक कटवाओगी? लगता है जिठालाल आ गया पैसे मांगने। क्या अभी? जी जी, मेरा नाम अरुणा शर्मा है और मैं महिला गृह उद्योग की तरफ से आई हूँ। हाँ आइए ना, आइए बैठिए। हाँ कहिए जी। मैं अचार और पापड़ का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। अच्छा हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है कि दिवाली की वजह से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप अचार और पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जी कितने किलो की ऑर्डर है? बस 100 किलो अचार और 50 किलो पापड़। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगी मैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20,000 रुपए एडवांस। और ये मेरा कार्ड है। हाँ। जब भी ऑर्डर तैयार हो जाए आप मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ चाय कॉफी लीजिए ना, बैठिए ना। नहीं रहने दीजिए, मैं जब ऑर्डर लेने आऊंगी तब जरूर पीऊंगी। चलेगा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। एंड भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। और बेटे क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आंटी। थैंक यू बेटा। बाय आंटी। बाय बेटा। ओके ओके बाय। सुनो, बहुत अच्छी है तुम्हारी जींस और तुम्हारी साड़ी भी। बापूजी के लिए सिल्क की धोती लेकर आई? हाँ। कितने की आई? वो सब छोड़, पहले तू बता। क्या बताऊं? सुबह दुकान पे देर से क्यों पहुंचा था वो बता। तूने कहा था ना शाम को आके बता दूंगा। बापूजी जरा सांस तो लेने दो। अरे सांस बाद में लेना, पहले बोल कहाँ गया था। ओ काम से गया था। कौन सा काम?
अभी सब बात बतानी जरूरी है बापूजी, बोला ना काम से गया था। अरे ऐसा कौन सा काम था कि बता नहीं सकता, बता। माता जी, ये दिवाली के दिनों में कहीं आप जुआ तो खेलने नहीं गए? दया। और हाँ बापूजी, घर से निकलते वक्त उन्होंने 20,000 रुपए भी लिए थे। ये बहू क्या कह रही है, हैं? तुझे पता है ना, अगर तूने जुआ खेला ना तो भैंसों के साथ बांध दूंगा। हाँ, और दिवाली में हम सबको छोड़कर भैंसों के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा? हाँ बोल। बापूजी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? अरे तो इतने पैसे लेकर क्यों गया था, बता कहाँ है वो पैसे? वो बापू जी। दया बहन। हाँ बोलिए भिड़े बहन। मैं वो पैसे लौटाने आई थी। थैंक यू सो मच। ओके जाती हूँ। नमस्ते। देखा बबूचक, लोग हिसाब के कितने पक्के होते हैं, तू क्यों हिसाब नहीं दे रहा है? बताओ पैसे कहाँ हैं? बापूजी, लगता है वो पैसे यहाँ है। हैं? हाँ बापूजी, मैंने इनको सुबह जो नोट दी थी ना, वो यही है। ये क्या बोल रही हो दया, इस पे क्या तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं, इस पर मेरा रबर बैंड है। हाँ, ये नोट पर पहले जो रबर बैंड था ना, वो टूट गया था, तो मैंने अपना निकल कर इस पर लगा दिया था। ये वही रबर बैंड है, और देखिए इसका कलर भी मेरी साड़ी से मैचिंग होता है, देखा? पर बापू जी, ये भिड़े बहन के पास ये नोट कैसे पहुंची? जेठा क्या बात है, बता क्या बात है? हाँ चुप क्यों है, बता। तू बताता है कि मैं जाके भीड़े और माधवी से पूछूं? नहीं बापूजी, उनको मत पूछना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए? ठीक है, तू नहीं बताएगा ना, मैं ही जाके पूछता हूँ। बापूजी ठीक है, मैं बताता हूँ। वो सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो मंदिर में भीड़े को प्रार्थना करते हुए सुना। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूट गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। प्रभु कुछ कर प्रभु, दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु। ये अलग बात है कि मेरी और उसकी जमती नहीं है, पर मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई बापू जी। ये दिवाली में हमारे घर में दिए जले और उसके घर में अंधेरा, ये क्या अच्छा लगता है? और मैं जानता हूँ वो इतना जिद्दी है, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना, वो मुझसे मदद कभी नहीं लेगा। इसलिए मैंने आइडिया किया, क्या दुकान के बाजू में एक महिला गृह उद्योग है, उसको बेसहारा और विधवा औरतें चलाती है, तो लंबे टाइम से उनकी भी मदद करने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये उनको दिए और कहा कि आप लोग ये 20,000 में से भिड़े बहन से अचार और पापड़ खरीद के बेचो। तो उनको 20,000 का माल मिल गया और उधर भिड़े के घर में 20,000 पहुंच गए। क्या है बापूजी, जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी ही ने, और पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वाह जेठा वाह। बापूजी आज जिंदगी में पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। आप सच में महान है, आपने भिड़े भाई को 20,000 रुपए ऐसे ही दे दिए। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई दया, ये भिड़े बहन तुमको किस बात के पैसे लौटाने आई? अरे हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तब उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनको उधार दिए थे, तो वो लौटाने समझ गया, समझ गया। वो आए यहाँ पर। ए जेठा बबूचक, कब से मेरी डांट खाता रहा, तो पहले बताया क्यों नहीं? बापूजी आप ही कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, और अपनी भलाई का ढिंडोरा पिटने से उसका मोल नहीं रहता है। इसलिए दया ये बात हमारे घर की चार दीवार के अंदर ही रहनी चाहिए, खबरदार किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। हाँ हाँ, नहीं किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरी माँ के। कुछ लोग बिल्कुल नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम। मेरे दोस्त जेठालाल भी कुछ इसी तरह हैं, ऊपर से बेहद कठोर लेकिन दिल से बहुत नरम।
ये साबित कर दिया उन्होंने भिड़े की मदद करके। भिड़े जो ये सोच रहे थे कि जेठालाल उन्हें पैसे नहीं लेने दे रहे, अंततः वे ही उनके काम आए और दिवाली की खुशियों में चार चांद लग गए। देखिए कल दिवाली है, कल गोकुलधाम सोसाइटी में भी दिवाली बनेगी और आप भी मनाएंगे दिवाली, खुशियों की दिवाली। हम चाहते हैं कि ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आपके चेहरों की मुस्कान बनी रहे। ये है हम सब की ओर से, हम सब यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।